जींद में किसानों ने सराहा बजट को, बताया किसानों के हित का बजट। बजट को लेकर लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। किसी ने बताया सरकार की जुमलेबाजी, तो किसी ने कहा कि चुनाव को देखते हुए बजट को बढ़ाया गया है। वहीं जब किसानों से बातचीत की गई, तो उन्होंने बजट को काफी सराहा और बजट में किसानों के लिए जो पेंशन को लेकर प्रावधान किया गया है, किसानों ने उसको भी काफी सराहा है। वहीं सरकार की तारीफ भी की है। हम आपको बता दें कि यह सरकार का आखिरी बजट था। इसमें सरकार ने पिछले बजट से अब वाले बजट में वृद्धि करके पेश किया गया है। जो सरकार ने बजट पेश किया है, हरियाणा सरकार ने जो वादे किए थे नहीं, उसके बिल्कुल विपरीत। कर्मचारी को, मौजूदा कर्मचारी को कुछ भी नहीं मिला है। और सरकार ने जिस टाइम सत्ता में आई थी, उस टाइम पूरा वादा करके आई थी कि भाई हम कर्मचारियों को पक्का करेंगे, रोडवेज के बेड़े को बढ़ाएंगे, बहुत से स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे, हॉस्पिटलों को बढ़ाएंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया कर्मचारियों के बारे में। ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। क्या मानते, किस तरह का बजट है आपकी नज़र में? हमारी बजट में सिर्फ किसानों को थोड़ी बहुत राहत दी है, लेकिन अब चुनावी साल है और चुनावी साल में सिर्फ वोट हासिल करने के लिए ऐसा किया। आपका शुभ नाम? दलबीर डिलो। ये बजट कोई इतना बढ़िया बजट नहीं है। 588 करोड़ शायद उन्होंने बागवानी पे दिया है, ये बहुत ही कम है। एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है भाई हम बागवानी के लिए वो करेंगे, और बजट नाम मात्र देती है। इस बजट से बागवानी का काम नहीं चलेगा। अगर गवर्नमेंट ने करना है तो मनरेगा को बागवानी से जोड़ना चाहिए, सीधा नहर का पानी बागवानी को देना चाहिए। और कनेक्शन शायद 9 रुपये यूनिट है बागवानी का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए कनेक्शन। ये इतना बढ़िया बजट नहीं है, ये जमींदार का बजट नहीं है, बहुत कम है। आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम है माबर। जो हरियाणा के अंदर वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, इसमें हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। हम भी वही चाहते थे जिस तरह दूसरे महकमों को इस बजट में थोड़ा बहुत दर्शाया गया है, हमारे प्रति भी ऐसा कुछ दर्शाया जाए, ताकि हम जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, हम भी कुछ ना कुछ इनसे प्राप्त कर लें। और जो न्यू पेंशन स्कीम के बारे में कई बार ये सरकार कहती थी भाई न्यू पेंशन स्कीम को बदल कर हम पुराने सिस्टम से लाएंगे, बजट में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं। ये बजट केवल एक इलेक्शन से प्रेरित है, वोट लेने के लिए है, और इस बजट में कुछ भी नहीं है। आपका शुभ नाम जी? मेरा शुभ नाम महेंद्र सिंह ढिल्लों। किसानों के लिए बहुत बढ़िया बजट है, किसान वर्ग का बहुत ध्यान रखा है इस सरकार ने। किसानों के लिए पेंशन के लिए भी इन्होंने एक कोष का प्रावधान किया है, मैं तो बहुत बढ़िया मानता हूँ इस सरकार को। किसानों के लिए फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों की पेंशन के लिए प्रावधान किया है, और भी किसानों को बहुत सारी सुविधाएँ दी हैं। जो औजार हैं उन पर भी सब्सिडी दी है, कृषि के औजार हैं, इसलिए मैं तो इस सरकार को किसान जैसी मानता हूँ। पारियों के बजट की तो ऐसा था, पशुपालन विभाग में कोई अच्छा नहीं किया, जमींदार के लिए तो ये कुछ कर रहे हैं, और फिर इसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट दी, कहा था वे लागू करेंगे, अलग इनकी कुछ नहीं किया है। और भैंसों में तो जो भैंस 12-13 लीटर पर पास होती थी, उनकी उन्हें पीछे छोड़ कर 19 लीटर पर लगा दी। व्यापारी वर्ग का तो इनकी भैंस वाला तो ख़त्म कराया। हम किसानों का जो 29 का बजट मानते हैं जी, एक तो पहला नंबर किसानों का जो 5 एकड़ से कम जमीन है उसको मान ले 6,000 रुपये साल की, मान लो 2,000 रुपये चौथे महीने की किस्त मान ले डाली है मोदी जी ने, मान लो हर किसान के खाते में जाएगी जो 5 एकड़ से कम का किसान है जी। और एक जो पिछला जो बजट था अपना मान लो, उससे मान लो अब के बार बजट है ना 4.5 मान लो बढ़ के बजट पेश किया है जी अब की बार किसानों के लिए जी। यह बहुत अच्छा बजट है जी। और दूसरा नंबर ये पेंशन का प्रावधान किया जी किसानों का जी, पेंशन का बहुत अच्छा करे है जी।